एबीपीएस न्यूज़ गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला हापुड़ के ब्लॉक सिंभावली में स्थित सरूरपुर गांव पहुंची। इस समय रिहाना को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 8,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय 32 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। लगभग 4,000 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 900 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 250 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 14 हैंडपंप लगवाए गए हैं व 20 हैंडपंप और सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 250 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसीटाइज रोड, पंचायत घर, खेल का मैदान, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान सरोजपुर रियाना का बेटा, ग्राम सरोजपुर पोस्ट सिंबावली, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, तहसील गढ़मुक्तेश्वर। मेरे ग्राम में उच्च स्तर की शिक्षा की ज़रूरत है, प्राइमरी पाठशाला के लिए नालों का निर्माण जरूरी है। नालों में जोहड़ से पानी निकलने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आवासीय योजना का लाभ मिलना चाहिए, आवास की कमी है। गांव में झोंपड़ी वगैरह काफ़ी हो रही हैं, आवास मिलने चाहिए गांव को, और जो अच्छी सामाजिक सेवाएं हैं वो गांव को सभी मिलनी चाहिए।